गाइज व्हाट्स अप, कैसे आप लोग। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ममअर्थ विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन सी फेस क्रीम एंड विटामिन सी स्लीपिंग मास्क की रिव्यू। ये प्रोडक्ट्स मैं ऑलमोस्ट 2.5 वीक से यूज़ कर रही हूँ, तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स की रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद आई है तो कुछ प्रोडक्ट्स उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, वो भी मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो देन हेलो, माय नेम इज़ दीपान्विता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रह पाए। ऑल्सो इफ़ यू विश यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मुझे फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। अगर कोई क्वेरीज हो, अगर कुछ पूछना हो, बातें करनी हो, देन फील फ्री टू मैसेज मी। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करती है, आई मीन वर्थ द हाइप है कि नहीं। सो लेट्स गो। अच्छा, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं ममअर्थ ब्रांड के बारे में आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को नहीं पता है। ऑल्दो ममअर्थ बहुत ज़्यादा रिनाउंड ब्रांड है, बट इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं बता दूं कि ममअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, विच मीन्स दे रिसाइकल प्लास्टिक मोर देन दे प्रोड्यूस। ऑल्सो इट्स अ क्रुएल्टी फ्री ब्रांड। अगर आप लोगों को कूपन कोड चाहिए है तो मेरी ये कोड यूज़ कर सकते हो जो कि है दीपान20। ममअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप लोग ये कोड यूज़ करते हो तो फिर आप लोगों को 20% ऑफ मिलेगी। इसके अलावा ममअर्थ के प्रोडक्ट्स ईजिली नायका, अमेजन, ममअर्थ, देन पर्पल, इन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है एंड ऑफर्स भी चलती रहती है। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करनी हो आप लोग चेक कर लीजिएगा। इनकेस कोई डिस्काउंट अगर चल रही है तो फिर आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगी। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये ममअर्थ विटामिन सी फेस वॉश विद विटामिन सी एंड टर्मरिक फॉर स्किन इल्यूमिनेशन। ये पैराबिन एंड SLS फ्री प्रोडक्ट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, एट द सेम टाइम ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। इसकी प्राइस ₹249 फॉर 100 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड इसमें आप लोगों को 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ मिल जाएगी। एंड इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में टर्मरिक के साथ ही साथ ग्लिसरीन है, लेमन ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है एंड और कुछ इंग्रेडिएंट्स है। इसके टेक्सचर ना ही थिक है और ना ही थिन है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर है, दैट्स वाई स्किन पे इजिली स्प्रेड हो जाती है एंड फोम क्रिएट नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड ममअर्थ प्रोडक्ट्स की एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इनके प्रोडक्ट्स ना बहुत ही कम क्वांटिटी में लगती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई इनके प्रोडक्ट्स बहुत दिन तक लास्ट भी करती हैं। ज़्यादातर विटामिन सी फेस वॉशेस थोड़ी सी ड्राइंग होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑयल कंट्रोल करती है, दैट्स वाई थोड़ी सी ड्राइंग होती है, बट ये वाले फेस वॉश बिल्कुल भी लाइक ड्राइंग नहीं है, एट द सेम टाइम ऑयल कंट्रोल अच्छे से करती है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, विच मीन्स मेरी टी जोन ऑयली है एंड चिक्स मेरी ड्राई है, तो प्रोडक्ट्स चूज़ करने के टाइम पे मुझे बहुत ध्यान से प्रोडक्ट्स चूज़ करनी पड़ती है क्योंकि अगर मैं ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश लेती हूँ तो फिर मेरी चिक्स और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अगर मैं ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट लेती हूँ तो फिर मेरी टी जोन और भी ऑयली हो जाती है, तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो फेस वॉश चूज़ करना थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, स्पेशली फॉर कॉम्बिनेशन स्किन्स। आई मीन अगर आप लोगों के भी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो फिर आप ये रिलेट कर पाओगे। ये क्लेम करती है कि आपकी स्किन को इवन टोन करेगी, फ्री रेडिकल डैमेज के साथ फाइट करेगी, आपकी स्किन को क्लियर, क्लीन एंड हेल्दी बनाएगी। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया गया है। इसमें विटामिन सी एंड टर्मरिक है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करेगी, सन टैन रिमूव करेगी, आपकी स्किन को हेल्दी लुकिंग बनाएगी एंड एक सॉफ्ट ग्लो आपकी स्किन पर प्रोवाइड करेगी। टर्मरिक एक्ने प्रॉन स्किन के लिए कह लो या फिर स्किन डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वजह से ये फ्री रेडिकल डैमेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। इसमें ग्लिसरीन है, दैट्स वाई आपकी स्किन को लाइक ड्राई नहीं बना देगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई है। अच्छा, मैंने सोचा था कि ये प्रोडक्ट्स मेरे एक्ने रिमूवल में हेल्पफुल होगी, बट उतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुई है, बट येस देयर इज़ अ डिफरेंस। आई मीन मेरी फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई है एंड फेस वॉश करने के बाद मैं फील कर पाती हूँ कि नहीं, मेरी स्किन डीपली क्लीन हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी फेस ब्राइट हो गई है, दैट्स वाई मेरे एक्ने मार्क्स और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड जब भी मैं टैंड रहती हूँ ना, मेरे एक्ने मार्क्स उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहती है। सो या दैट्स दैट। सो डेफिनेटली आप ये फेस वॉश ट्राई कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि ये आपकी पिंपल्स रिमूव करेगी। एटलीस्ट मेरे लिए तो मेरी पिंपल्स रिमूव नहीं हुई है, हो सकता है कि आपके लिए हो जाए, अदरवाइज बाकी बहुत ही अच्छी है। आई मीन बाकी जो भी क्लेम्स है वो 100% जस्टिफाई करती है। ऑल्दो यहाँ पे कहीं पर भी लिखी हुई नहीं हुई कि ये पिंपल्स रिमूव करेगी, बट आई थॉट कि इसमें टर्मरिक है सो दैट्स वाई पिंपल रिमूव हो भी सकती है, बट नहीं हुई है।
सो दैट्स ओके, इसने क्लेम भी नहीं किया कि ये पिंपल्स रिमूव करेगी. सो ये माई फॉल्ट, मैंने एक्सपेक्ट की थी. ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ममअर्थ विटामिन सी फेस क्रीम विथ विटामिन सी एंड SPF 20 फॉर स्किन इल्यूमिनेशन. ओ माई गॉड गाइज, ये प्रोडक्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है. रीज़न बहुत ही यू नो सॉलिड रीज़न मेरे पास है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने बोला कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, दैट्स वाई मैं अगर ऑयली स्किन की मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ तो फिर मेरी फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. अगर ड्राई स्किन की यूज़ करती हूँ तो फिर मेरी फेस और भी ज़्यादा ऑयली हो जाती है. बट ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एकदम परफेक्ट है मेरे लिए. आई मीन ये भी स्किन इल्यूमिनेशन प्रोडक्ट है, विच मीन्स ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, आपकी स्किन को इवन आउट करेगी. इसके प्राइस है ₹599 फॉर 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, एंड इसके साथ आप लोगों को पंप भी मिल जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा हाइजेनिक है. आई मीन मैं पम्प्स हमेशा प्रेफर करती हूँ. आपकी स्किन को ना इंस्टेंटली ब्राइट कर देगी, एंड द बेस्ट पार्ट इसके ये SPF के साथ आती है. तो अगर आप घर पे हो, आई मीन बाहर नहीं जा रहे हो, सिर्फ घर पे हो, तो फिर आपको अलग से सनस्क्रीन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें नियासिनामाइड है, एंड नियासिनामाइड आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करती है. ओपन पोर्स भाई कभी भी क्लोज नहीं होगी, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है. ओपन पोर्स कभी भी क्लोज नहीं होती है, उसकी साइज़ मिनिमाइज हो सकती है, उसकी साइज़ आप लोग कम कर सकते हो, बट क्लोज पॉसिबल नहीं है. तो ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि आपकी ओपन पोर्स. ओके, नेक्स्ट एजिंग की जो साइंस है उसे प्रिवेंट करती है. अगर आपकी ऑलरेडी एजिंग हो चुकी है तो फिर ये उसको रिड्यूस करेगी. डैमेज स्किन को रिपेयर करती है, एक्ने मार्क्स रिड्यूस करती है, स्किन को ब्राइटन करती है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको अप्लाई करके मेकअप भी कर सकते हो. स्किन पे क्विकली अब्जॉर्ब हो जाती है, एट द सेम टाइम एक इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करती है, जो कि वो ऑयली वाली ग्लो नहीं है, एक सॉफ्ट ग्लो प्रोवाइड करती है. लास्ट प्रोडक्ट है ये ममअर्थ विटामिन सी स्लिपिंग मास्क विद विटामिन सी एंड एलोवेरा. इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी स्लिपिंग मास्क ट्राई नहीं की थी, तो ये मेरी फर्स्ट टाइम है एंड आई वॉज सुप्रीमली एक्साइटेड. इसके प्राइस है ₹599 फॉर कहा गया 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. इसके साथ आप लोगों को एक स्पैचुला मिल जाएगी, आई मीन स्पैचुला एप्लीकेटर मिल जाएगी, बट मुझे हाथों से अप्लाई करना ज़्यादा पसंद है. आई मीन हाइजीन के लिए उन लोगों ने स्पैचुला प्रोवाइड की है, बट मैं हाथों से ही अप्लाई कर लेती हूँ, ऑब्वियसली क्लीन हैंड्स ही यूज़ करती हूँ. इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे हाथों पे यूज़ किया था, मुझे ना थोड़ी सी वो सिलिकन टाइप की लग रही थी, तो मैंने इमीडिएटली वेबसाइट चेक की, इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक की, एंड तब मैंने देखा कि ये सिलिकन एंड पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है. इसकी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, एंड इसको आपको यूज़ कैसे करनी है, इसको आपको एक इवन लेयर आपकी फेस पे अप्लाई करनी है, रात को रात भर रखनी है, एंड देन सुबह उठ के ल्यूकवॉर्म वाटर से आपकी फेस को वॉश कर लेनी है. मुझे इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एक्चुअली. फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको यूज़ किया, सुबह उठ के जब मैंने फेस वॉश की, फर्स्ट जो चीज़ मैंने नोटिस की थी वो थी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोइंग दिख रही थी. आई मीन मेरी पिंपल्स, एक्ने, ये सब छोड़ दो, स्किन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश दिख रही थी एंड हाइड्रेटेड दिख रही थी. ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया हो. जस्ट किडिंग, लाइक लिटरली मैंने ये चीज़ सबसे पहले नोटिस की थी कि मेरी फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है एंड फ्रेश दिख रही है. दैट्स ऑल, ये थी आज की वीडियो, एंड इन सारे प्रोडक्ट्स की परचेज लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी. तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज हो, चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएगी. मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय.